हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। आपसे पता होगा मैंने इससे पहले बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल में जाइए और प्लेलिस्ट बना हुआ है सभी वीडियो, यानी जितने भी सब्जेक्ट है हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस जो भी आपके विषय है सभी का मैंने चैप्टर बाई और साथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो बनाता हूँ दिया हूँ, तो आप लोग जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चन को कवर करेंगे काफ़ी आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, तो इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन करूँगा तो इस पर आप लोग अगर रिवीजन करना चाहते हैं या फिर इसका टेस्ट देना चाहते हैं कि कितने क्वेश्चन आपसे बन पाते हैं, तो अब मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट का लिंक दे दूँगा जहाँ से आप टेस्ट दे सकते हैं और आप जान सकते हैं कितने क्वेश्चन आपसे बन पाते हैं, क्योंकि टेस्ट देना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अभी जो है स्कूल कॉलेज में आप लोग पढ़ाई करते हैं तो आपको पता नहीं चल पाता है कितने आप पढ़ाई किए हैं। अगर आप यहाँ पे टेस्ट देंगे तो आपको पता चल पाएगा कि आपका नॉलेज क्या है या आप लोग उस दिन से क्या पढ़े हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ वीडियो को आप लोग अभी तक लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर करिए ताकि उसको भी फायदा हो सके। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए ध्यान से, कह रहा है कि महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 102 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंबा अंबालिका किसकी पत्नी थी, अंबा कोमा अंबालिका किसकी पत्नियां थी। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से 4 ऑप्शन दिए हुए आपके सामने, तो राइट ऑप्शन की क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन में ये बात करेंगे तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी विचित्र वीर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप लोग टेस्ट देंगे तो यहाँ पे जो आंसर का बटन दिया हुआ है आप लोग इसमें क्लिक करेंगे तो आपको आंसर शो कर देगा, तो आप लोग वहाँ से आप जान पाएंगे और डायरेक्ट आंसर नहीं रहेगा ताकि इससे आपका टेस्ट हो सके कि कितने क्वेश्चन आपसे बन पाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी यानी कौन थे इनमें चारों में से, ऑप्शन को एक बार अच्छे से सब लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी जगह, ये सभी जो है महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घटोत्कच किसका पुत्र था, घटोत्कच जो था ये किसका पुत्र था, ऑप्शन देखिए युधिष्ठिर है, अर्जुन है, दुर्योधन है, भीम है, तो यहाँ पे चारों में से कौन होगा आप लोग ऑप्शन को अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे चारों में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा यानी भीम। चला आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कि भीम ने हिडिंबा के साथ जो है कौन सा विवाह संपन्न किया, यानी पूरा किया, भीम जो है हिडिंबा के साथ विवाह जो किया था, विवाह बहुत जो है इन चारों में से ऑप्शन में से कौन सा विवाह होगा आप लोग देख पा रहे होंगे, आरसीवी है, उसके बाद गंधर्व है, राक्षस या देव, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा यानी गंधर्व, भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया तो गंधर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्रौपदी जो किसकी पत्नी थी, द्रौपदी जो थी वो किसकी पत्नी थी, ऑप्शन देखिए अर्जुन है, उसके बाद नकुल है, सहदेव है, इनमें से सभी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे चारों में से राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा यानी इनमें से सभी, द्रौपदी जो है इनमें से सभी की पत्नी थी। आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को पता होगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर जो है किसने विचार व्यक्त किया, देखिए ध्यान से ऑप्शन को, श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर जो है किसने विचार व्यक्त किए, तो ऑप्शन यहाँ पे देखा दिया आपके सामने, महात्मा गांधी है, विवेकानंद है, बाल गंगाधर तिलक और इनमें सभी, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत का युद्ध जो कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन चला, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है और काफ़ी बार ये पूछा भी है, रिपीट क्वेश्चन है ये, तो देखिए यहाँ पे 10 दिन दिया हुआ, 12 दिन, 18 दिन या फिर 20 दिन, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 18 दिन यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि गंगापुत्र जो है किससे कहा जाता था, गंगापुत्र जो है किसे कहा जाता था, ऑप्शन को एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए ध्यान से, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे चारों में से तो राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी भीष्म को गंगापुत्र कहा जाता था, किसे कहा जाता था, भीष्म को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वरिष्ठ पुत्र सत्कर्णी ने विवाह संबंध जो है किस वंश के साथ जोड़े, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से ऑप्शन को दिया हुआ, शक है, उसके बाद पहलू है, उसके बाद कुषाण और हुन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी शक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, ऑप्शन को देखिए ध्यान से, नीचे में दिया हुआ ऑप्शन क्वेश्चन है, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, देखिए यहाँ पे आदि पर्व है, भीष्म पर्व है, शांति पर्व है, इनमें से सभी है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन देख पा रहे होंगे, राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी यानी शांति पर्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद के पुरुष संयुक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में
हाँ, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, उसके बाद क्या कहते हैं वैश्य है, उसके बाद शूद्र है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी शूद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि चंदाल चंदाल और श्रीप्य माने जाते थे, जब भी वह नगर में जाते थे तो उन्हें लड़की की आवाज़ करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके, यह कथन किसका है? चंदाल जो एक अश्रीप्य माने जाते थे, ये शायद खतरनाक होंगे, जो कि आने से पहले वो लड़की की आवाज़ करते थे ताकि लोग सतर्क हो जाए और उसे देखने से बच जाए। तो ये कथन जो किसका था, ऑप्शन देखिए, चार ऑप्शन दिया पे, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फाहयान। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दुर्योधन की माँ जो है कौन थी, दुर्योधन की माँ कौन थी? ऑप्शन को देखिए, गंधारी है, कुंती है, माधुरी है, उसके बाद सत्यवती है। तो राइट ऑप्शन की बात करते हैं क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी गंधारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी? ऑप्शन को देखिए एक बार आप लोग अच्छी तरह से, ऑप्शन को पढ़ लीजिए यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मानेश्वर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत की रचना जो किस भाषा में हुई, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से ऑप्शन को, महाभारत की रचना जो है किस भाषा में हुई, ऑप्शन को देख लीजिए अच्छी तरह से। तो राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी संस्कृत, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, महाभारत की रचना जो है किसने की? महाभारत की रचना ये भी काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किसने की? वाल्मीकि, मनु, उसके बाद दिया हुआ याज्ञवल्क्य और वेदव्यास। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी वेदव्यास। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन करा कि मनुस्मृति में जो है कितने प्रकार के विभाग का उल्लेख किया गया है? मनुस्मृति में कितने प्रकार के विभाग का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन को अच्छी तरह से देख लीजिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आठ, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, आठ। तो यहाँ पे हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे आपके लिए मैं कवर कर चुका हूँ। अगर आप लोग और भी इसी तरह के क्वेश्चन चाहते हैं तो आप लोग इस वेबसाइट में विजिट कीजिए। आप लोग जैसे वेबसाइट में आएंगे तो आपको यहाँ पे जब क्वेश्चन इसका खत्म हो जाएगा तो आप यहाँ पे देख पाएंगे नेक्स्ट चैप्टर जो लिखा हुआ है, इस नेक्स्ट चैप्टर में आप बटन में क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट जो कोई भी क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट वो नेक्स्ट वाले लेवल में पहुंचा देगा, नेक्स्ट चैप्टर में पहुंचा देगा। इस वेबसाइट का नाम आप लोग यहाँ पे जैसे ऊपर में देख पा रहे होंगे दिया हुआ है boardparikha.com, boardparikha.com जैसे ही आप गूगल में लिखेंगे तो आपको इस वेबसाइट में पहुंचा देगा, या फिर आप क्या कहते हैं इस लिंक जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे उससे भी जा सकते हैं। तो वहाँ जाकर के आप सारे अध्ययन इसका कर सकते हैं और घर बैठे आपको अगर कोई भी तैयारी का कोई भी सुविधा आपके पास नहीं है तो आसानी से आप घर बैठे आसानी से इस वेबसाइट के जरिए से पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी विषय के जितने भी सब्जेक्ट हो सकते हैं सभी के आपको मटेरियल बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पीडीएफ, मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो सभी मैं इस वीडियो वेबसाइट में अपलोड कर दूंगा, तो इसमें आकर विजिट करके आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो चलिए ये तो वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।